हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोग के साथ एक बहुत ही खूबसूरत स्टिच, जिसे सिंधी स्टिच बोलते हैं, वो शेयर करने जा रही हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बस आप छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक के साथ ये आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए मैं इसे बताती हूँ इसे कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है एंकर का थ्रेड, आप किसी भी थ्रेड से बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने पहले एक पेंसिल से छोटा सा स्क्वायर बनाया है। पहले आप इसका फ्रेम बना लेंगे तो आपसे बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मैंने एक छोटा सा फ्रेम बनाकर उसमें 1 2 3 4 लिख दिया है। अब हम इसे 1 से स्टार्ट करेंगे। इसे बनाने के लिए पहले 1, जहां 1 लिखा है वहां से नीचे की तरफ से ऊपर साइड हम नीडल को निकालेंगे, फिर 2 से नीचे की साइड से ऊपर की साइड को हम नीडल को रखते हुए थ्रेड को खींचेंगे। फिर जहां पे 3 है वहां पे हम नीचे की साइड से अप साइड की तरफ हम नीडल को निकालते हुए 4 की तरफ करेंगे, और यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, नीचे से लेकर के ऊपर की साइड की तरफ तिरछा करके थोड़ा हम नीडल को निकालेंगे, और एक बॉक्स की तरह ये बन जाना चाहिए। फिर जो जहाँ पे 1 इंड खत्म होता है वहां पे हम थ्रेड को नीचे की साइड से ऊपर की साइड लेंगे, और वहां पे हम स्टिच को इंड करेंगे। अब हम इसका सेकेंड स्टेप स्टार्ट करते हैं। उसको भरने के लिए हम 1 से ही मीट से निकालेंगे और थ्रेड को नीचे की साइड से हम डालते हुए 2 की तरफ ले जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैंने कैसे किया है, 1 के और फिर 2 में जो स्क्वायर, छोटा सा स्क्वायर बनता है उसके बीच से हम थ्रेड को निकालकर 3 की तरफ ले जाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ थ्रेड को अंदर से डालते हुए। फिर 3 में भी हम ऐसे ही करेंगे, छोटे से स्क्वायर से थ्रेड को निकालते हुए 4 के साइड ले जाएंगे और थ्रेड को नीचे से डालेंगे ताकि वो अच्छे से लॉक होता जाए थ्रेड। और 4 के नीचे से भी हम निकाल कर फर्स्ट की तरफ से वापस ले जाएंगे, थ्रेड को पहले के बने हुए थ्रेड के अंदर से घुसाते हुए, जो 1 से 2 की तरफ थ्रेड गया है उसके अंदर से निकालते हुए 1 पे हम इसे इंड करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट, छोटा सा जो फर्स्ट बेसिक स्टिच होता है वो कंप्लीट हो गया। चलिए अब मैं दूसरा, इससे बड़ा, जो थोड़ा बड़ा बनता है सिंधी स्टिच, वो बताती हूँ। इसे भी बनाने के लिए सेम हम वैसे ही बनाएंगे, बस इसके चारों कॉर्नर पर हम छोटा छोटा बॉक्स बनाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर मैं कैसे बना रही हूँ, और यहाँ पे भी हम 1 2 लिखेंगे, जहां से हम स्टार्ट करेंगे वहां से 1 2 मैं लिख रही हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 की तरफ हम नीचे से नीडल को लाएंगे और 2 में हम नीचे से ऊपर की तरफ नीडल को करते हुए 3 की तरफ ले जाएंगे। ये भी सेम वैसे ही है जैसा आपने पहले वाला बनाया, और बस छोटा छोटा स्क्वायर बनना चाहिए, और जो थ्रेड आप अभी स्टार्टिंग में डाल रहे हैं उस सारे थ्रेड को हम ऊपर के साइड ही रखेंगे, उसे हम अंदर की तरफ नहीं ले जाएंगे, ऊपर के साइड ही रखेंगे। फिर देखिए 4 से हम 5 की तरफ ऊपर से नीचे की तरफ ले जाएंगे। ये अब जैसे पहला स्क्वायर बना था उसी तरफ से होगा। आप एक बार बेसिक बनाना जान जाएंगे तो आप इससे कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। यहाँ पे हम 6 के तरफ नीचे से ऊपर की तरफ करेंगे, और इसे भी नीचे की साइड ले जाकर 7 की तरफ एक छोटा सा बॉक्स बनाते हुए ऊपर की साइड लेकर आएंगे। हम जो स्टिच किए हैं वो थ्रेड ऊपर रखेंगे, और जो पहले से बना हुआ थ्रेड जो गया है 5 से 6 की तरफ उसके अंदर से डालते हुए हम ये लेकर के आएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं कैसे बना रही हूँ। यहाँ पे भी छोटा सा बॉक्स, बस ये बस छोटा छोटा 4 बॉक्स है, इसको चारों को हम एक बॉक्स, बड़ा सा बॉक्स मिलके बनाएंगे। यहाँ पे मैंने जो स्टिच बनाया है उस थ्रेड को ऊपर रखा है, और जो पहले से बना हुआ है उस थ्रेड के नीचे से मैंने ये दूसरा वाला थ्रेड निकाला है। देखिए हमारा एक बड़ा सा
ये फ्रेम तैयार हो गया है, अब हम इसको फिल करते हैं। इसको फिल करने के लिए मैंने दूसरे कलर का थ्रेड लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिल करने के लिए भी हम वन से स्टार्ट करेंगे और जो पहला थ्रेड है उसके अंदर से डालते हुए टू के साइड हम नीचे से ऊपर की तरफ निकालेंगे। छोटा सा जो स्क्वायर है बना हुआ है उसके अंदर से निकालते हुए हम नीचे थ्री के साइड ले जाएंगे और उसके भी अंदर से निकालते हुए हम बगल वाले बॉक्स की तरफ ले जाएंगे। ये आप एक ध्यान रखिएगा कि जहां भी हमारा थ्रेड अच्छे से लॉक हो जाए बस वैसे ही हम थ्रेड को उसके अंदर से ही निकालेंगे। ये आप एक बार बनाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको टफ लगेगा स्टार्टिंग में बनाना। जैसे जैसे मैंने छोटे वाले बॉक्स को फिल किया है उसी तरह से इसका भी हर चारों छोटा छोटा बॉक्स को पहले फिल करेंगे। जैसे कि देख रहे हैं आप मैं कैसे कर रही हूँ, उसी तरह से कीजिए। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही सुंदर लगती है ये। इसे आप सूट कुर्ती किसी चीज पे भी आसानी से बना सकते हैं। ऊपर साइड का होने के बाद अब हम नीचे साइड वाले बॉक्स को फिल करेंगे। इसमें भी हम पहले देखिए उस थ्रेड को हम मैंने नीचे से लिया है, अब रेड वाले थ्रेड के अंदर से डालते हुए मैं नीचे छोटा सा जो कॉर्नर है वहां उसके अंदर से मैं निडल को निकाल रही हूँ। जैसे स्क्रीन पे बताया जा रहा है अब इसी हिसाब से बनाइए, बहुत ही अच्छे से और आसानी से ये आपसे बन जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसे लगी। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एकदम एकदम अच्छे से बन गई है। अब ये लास्ट बॉक्स फिल होने के बाद हम वापस से फर्स्ट बॉक्स की तरफ आएंगे और यहाँ पे रेड थ्रेड के नीचे से हम निडल को निकालते हुए लास्ट बॉक्स को फिल करेंगे। अभी हमारा ये डिज़ाइन बिल्कुल कंप्लीट है, देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है देखने में। आप इस डिज़ाइन को एक बार ट्राई कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।